Hello guys, this is Kushal. Welcome to Kushal Center for Excellence. So guys, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 6 जो है हमारी ज्योग्राफी एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर. सो इसके साथ साथ ये जो हमारी क्लास 9th की ज्योग्राफी है वो खत्म होने वाली है. सो ये चैप्टर क्या है, पॉपुलेशन. क्या पॉपुलेशन? सो देखिए, पॉपुलेशन है कि देखिए अभी तक तो हम इंडिया के बारे में जितनी भी बातें हैं सब पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर ये पॉपुलेशन एकदम से ये पॉपुलेशन कैसे आ गया, ठीक है? सो आप सोचेंगे पर ये क्या है, पॉपुलेशन भी तो एक इंडिया का ही हिस्सा है. यानी कि इंडिया में जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है या कम है, ऐसे ये भी तो सब इंडिया का ही पार्ट है हमारा पॉपुलेशन, ठीक है? सो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम इंडिया साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इंडिया साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ेंगे इंडिया पॉपुलेशन साइज डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर, इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी. फिर पढ़ेंगे हम पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज. फिर पढ़ेंगे हम एज कंपोजिशन. एज कंपोजिशन क्या होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है, लिटरेसी रेट्स क्या होते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्थ से कैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, एडोलेसेंट पॉपुलेशन क्या होता है, और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या होता है, और एनपीपी और एडोलेसेंट पॉपुलेशन कैसे है, क्या होते हैं, ठीक है? सो ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले. सो अब देखिए, आप ये सब इतनी बातें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले. सो अब देखिए कि फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सो ये पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखा है, पहले तो आप जान लेते हैं कि ये जो हमारा इंडिया से जो चीज़ आती है, जैसे अर्थ से हमें कोल मिलता है, सो वो क्या है, एक रिसोर्स है, रिसोर्स है, एक हमारे लिए रिसोर्स है कोल, ठीक है? अब ऐसे ही रिसोर्स क्लाइमेट्स रिसोर्सेज क्लाइमेटिस एंड डिसऑल्टर्स ये सब क्या है, आर मीनिंगफुल रोल ऑफ, ये क्या है, ये मीनिंगफुल क्या है, ये मीनिंगफुल हमारे लिए क्या है, मीनिंगफुल पॉपुलेशन का एक रोल है, ठीक है? कौन रिसोर्सेज क्लाइमेटिस डिस्टर्स ये सब क्या है, ये मीनिंगफुल क्या है, पॉपुलेशन का रोल है, ठीक है? अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सो इसमें जो हमें बातें रखनी है, फर्स्ट इंडिया पॉपुलेशन साइज डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर. पहले तो इंडिया पॉपुलेशन साइज देख लेते हैं बाय नंबर, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर, पहले साइज का देखते हैं. सो अब देखिए कि 2001 में तब 2001 में मार्च 2001 में जो हमारा इंडिया था, है ना, वो कितने पीपल रहते थे उस 1028 मिलियन पीपल रहते थे. कितने, 1028 मिलियन पीपल हमारे इंडिया में रहते थे ना, तो इनकी परसेंट कितनी थी, 16.7% थी पूरे वर्ल्ड में इंडिया की, ठीक है? अब ये क्या हुआ, फिर क्या हो गया कि ये जो अब पीपल कितने रहने लगे, फिर हमारे वन पॉइंट टू मिलियन कितने, 1.2 बिलियन पीपल इंडिया में हमारे रहने लगे, ठीक है? कितने, 1.2 बिलियन पीपल इंडिया में हमारे रहने लगे. अब कितनी, अब वर्ल्ड में कितनी परसेंट हो गई इंडिया की, 2.4%, कितनी, 2.4%, राइट? अब जो इंडिया के स्क्वायर किलोमीटर वो कितना है, 3.8 स्क्वायर किलोमीटर है. अब ये तो अब देखिए, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में कितने पीपल रहते हैं, उत्तर प्रदेश जो है ये हमारा इतना, उत्तर प्रदेश में कितने पीपल रहते हैं, 166 मिलियन पीपल रहते हैं. कितने, 166 मिलियन पीपल हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं. और सिक्किम जो है, सिक्किम में कितने पीपल रहते हैं, सिक्किम में 0.5 मिलियन पीपल रहते हैं. कितने, 0.5 मिलियन. और जो हमारा लक्षद्वीप आइसलैंड जो है, हमारा लक्षद्वीप आइसलैंड जो है, उसमें कितने रहते हैं, उसमें रहते हैं 60,000. कितने, 60,000 पीपल रहते हैं. तो इतनी तो बात कर ली हमने साइज बाय नंबर से कर लिए हमने, तो नंबर अभी क्या, डेंसिटी रह गई है अब, पर अभी डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर. अब डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर क्या है, अब देखिए, जैसे कि ये मान
मान लिया हमने पूरा इंडिया है ये, ठीक है। अब इसकी जो ये ऐसे हमने कर दिया से, ठीक है। अब इसके बाद यहां से ये आ गया, नहीं गलत हो गया, सॉरी, देखिए यहाँ ये हो गया, ठीक है। अभी ये है, ठीक है, अब ये हो गया, इतना इतना ये हमारा हो गया, ठीक है, राइट। अब यहाँ देखिए कि ये जो है हमारा, अब यहाँ से ऐसे देखिए, ये इतना पार्ट जो हमारा, ये जो है, ये इतना पार्ट, ये हमारा क्या है, ये हमारा आंध्र प्रदेश, क्या आंध्र प्रदेश, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश है ना। ये कितने परसेंट है, इतने इसमें कितने परसेंट पीपल रहते हैं यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन में कितने परसेंट पीपल रहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से हो रहा है ना। सो कितने परसेंट पीपल रहते हैं, तो 7.41 पीपल यहाँ रहते हैं। और ये क्या है, ये हमारा वेस्ट बंगाल, वी भी लिख दिया मैंने, यानी कि वेस्ट बंगाल में कितने पीपल रहते हैं यहाँ पे, 7.79%, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ये हमारा यहाँ पे, ये हमारा ये देखिए यहाँ पे, ये हमारा ये यहाँ पे कितने पीपल रहते हैं, ये है हमारा 8.02% कितने पीपल रहते हैं। और ये जो हमारा कौन सा स्टेट है, चलिए देखता हूँ मैं, यहाँ कौन सा स्टेट है हमारा, चलिए देखते हैं, बिहार, कौन सा स्टेट है हमारा, बिहार, बिहार स्टेट है ये, बिहार, बिहार लिख दिया हमने बिहार। अब ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एम बना दिया, यानी कि महाराष्ट्र, यहाँ पे कितने परसेंट पीपल रहते हैं, यहाँ पे कितने परसेंट पीपल रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं 9.46% पीपल रहते हैं। और ये जो है हमारा, ये हमारा क्या, ये हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी लिख देता हूँ, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये हो गया उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे कितने पीपल रहते हैं हमारे, कितने परसेंट, 16.16% पीपल रहते हैं। सो सबसे ज्यादा पीपल कहाँ पे रहते हैं हमारे, उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, ठीक है। अब ये जो है, ये है अदर स्टेट्स, ये क्या है, ये है अदर स्टेट, अदर ओएस लिख दिया, यानी कि अदर स्टेट, अदर स्टेट लिख दिया मैंने, अदर स्टेट, स्टेट, अदर स्टेट, ये हो गया, ठीक है। अब अदर स्टेट में कितनी, यहाँ पे 51.2%, यहाँ पे 51.2%, यहाँ जो जितने भी अब स्टेट बचे हैं उनकी परसेंट मिला के इतने 51.2% ही है। अब ये तो हो गया हमारा इंडिया पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन और बाय नंबर, नंबर से हो गया। अब देखिए जो इंडिया है, इंडिया में पॉपुलेशन के मामले में इंडिया सेकेंड नंबर पर है, सेकेंड नंबर पर है इंडिया, पॉपुलेशन जितनी है इंडिया की सेकेंड नंबर पर है। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है चाइना, और थर्ड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे है यूएसए, कौन यूएसए, यूएसए की कितनी पॉपुलेशन है, यूएसए की बस ये हमारे दो स्टेट ले लेते हैं हम, महाराष्ट्र एंड यूपी, ये हमने दो दो स्टेट ले लिए, इनकी बराबर इतनी परसेंट, इनकी परसेंट मिलाकर इससे भी कम यूएसए में क्या है हमारी, यूएसए में पॉपुलेशन है, इतनी कम पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये हो गया राइट, ये तो इतनी तो बाय नंबर, नंबर से पता चल गया। अब आता है डेंसिटी, डेंसिटी से कैसा होगा, डेंसिटी, अब देखते हैं बाय डेंसिटी, डेंसिटी से कैसा होता है। अब डेंसिटी से देखिए, पहले तो डेंसिटी जान लेते क्या होती है, डेंसिटी यानी कि जैसे कोई, जैसे ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, यहाँ पे ये एक स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे कितने पीपल रह रहे हैं, यहाँ पे 10 पीपल रह रहे हैं, ये 10 पीपल रह रहे हैं, यहाँ पे 100 रह रहे हैं, यहाँ पे 100 रह रहे हैं, अब यहाँ पे 1000 रह रहे हैं, यहाँ पे 1000 रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 1000 रह रहे हैं, इतने पीपल हमारे रह रहे हैं, ठीक है, राइट। 10 यहाँ पे कितने, 10 पीपल रह रहे हैं, यहाँ पे 100, यहाँ पे 1000। सो इसमें क्या बताता है कि अलग अलग स्टेट में कितने पीपल रह रहे हैं, अलग अलग स्टेट में कितने पीपल रह रहे हैं, ये होता है हमारी डेंसिटी, क्या डेंसिटी, ठीक है।
अब डेंसिटी के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से हमारा सबसे, डेंसिटी के हिसाब से हमारा सबसे पॉपुलेशन में फर्स्ट नंबर पर कौन सा स्टेट है? बिहार। कौन सा? बिहार। डेंसिटी से बात करें तो, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का आधा माना जाता है ना, आधा माना जाता है। अब ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश का आधा माना जाता है, यानी कि ये छोटा हो गया और इसमें पॉपुलेशन ज्यादा है, और ये बड़ा है और इसमें पॉपुलेशन कम है। सो ये क्या हो जाएगा? बिहार हमारा फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, जो हो जाएगा। ठीक है भाई, किसके द्वारा? डेंसिटी। किसके? डेंसिटी के द्वारा। अब ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद आता है हमारा अब पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या? पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ेंगे पहले हम, चलिए पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है जान लेते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अब चलिए देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है। अब ये क्या होता है पॉपुलेशन ग्रोथ? अब जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, ये क्या है? डायनेमिक फेनोमिना है। डायनेमिक फेनोमिना यानी कि ये मतलब इसमें अलग अलग तरीके चेंज, बदलाव आते रहते हैं, डायनेमिक फेनोमिना है, ठीक है। अब इसका जो परसेंट होती है, इसकी जो परसेंट होती है, परसेंट जो होती है, इसे परसेंट मतलब कि इतने इतने परसेंट एनम लिखते हैं, इतने एनम लिखते हैं, यहाँ पे एनम लिखते हैं, परसेंट एनम, इतने परसेंट एनम। अब जैसे इंडिया में 2% वो बढ़ी, इंक्रीज हुई, 2% इंक्रीज हुई, तो इंडिया में क्या लिख देते हम? 2% यहाँ पे लिख दिया हमने, 2% पर एनम यहाँ पे कितनी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज लिख देता हूँ, इंक्रीज हुई, ठीक है। इतनी इंक्रीज हुई, 2% पर एनम पॉपुलेशन इसकी इंक्रीज हो गई। सो क्या लगता है हम? एनम जरूर लगते है, एनम लगाना पड़ता है। इसको हम क्या कहते हैं? एनुअल ग्रोथ। क्या? एनुअल ग्रोथ कहते हैं हम। क्या? एनुअल ग्रोथ कहते हैं इसी को। जब हम एनम लगा देते हैं परसेंट में, सो ये क्या हो जाती है? एनुअल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, राइट। इतना तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ में आ गया। अब यहाँ देखिए कि ये जो है हमारा, कितने ईयर से ईयर 1951 टू 2001 में कितनी परसेंट बढ़ी, कितने परसेंट यहाँ पे बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं आइए, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए तो कितनी इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं? ईयर, यहाँ पे ये तो हो गया ईयर 1951 ये हो गया टोटल पॉपुलेशन, टीपी यहाँ मैंने लिख दिया है कि टोटल पॉपुलेशन, एब्सोल्यूट इंक्रीज इन डिकेड यानी कि 10 दिन में कितनी बढ़ती है। अब एडी लिख दिया यानी कि एब्सोल्यूट डिकेड। अब एनुअल ग्रोथ, यहाँ पे एजी लिख दिया यानी कि एनुअल ग्रोथ। अब टोटल पॉपुलेशन कितनी है, कितनी थी? 361.0, कितनी? 361.0। फिर यहाँ पे 10 दिन पे कितनी बढ़ी? 42.43, कितनी? 43। अब फिर कितनी हुई यहाँ पे एनुअल ग्रोथ, कितनी थी? 125.25। फिर ये ईयर आया 1961, ठीक है, इसमें कितनी हुई हमारी? 439.2। और फिर यहाँ पे कितनी हुई ये एब्सोल्यूट डिकेड, कितना बड़ा? 78.15 हो गया, 1.96 यहाँ। अब यहाँ 1971 में कितनी हुई? 1971 में हुई यहाँ 548.2, यहाँ पे कितनी हो गई? 108.92। फिर यहाँ पे कितनी हुई? यहाँ पे कितनी हुई हमारी? यहाँ पे हुई 2.20, कितनी? 2.20। अब 1981 में कितनी हुई? 1981 में कितनी हुई? 683.3, ठीक है।
अब ये कितनी हुई एब्सोल्यूट डिकेड हमारी कितनी हुई 135.17। अब ये कितनी हुई हमारी 2.22 एनुअल ग्रोथ 2.22। अब ये 1991 में कितना हुआ 1991 में कितनी हुई 846.4। फिर ये कितनी हुई एब्सोल्यूट डिकेड हमारी 163.09। फिर ये कितनी हुई हमारी 2.14। फिर ये 2001 आ गया। फिर हमारा 2001 में कितनी हुई यहाँ पे 1028.7। ठीक है ये हुआ। फिर ये 182.32। फिर ये कितनी हो गई 1.93। ठीक है अब ये जो कितनी थी ये तो हमारी ईयर 1951 में टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई इतनी 361 और 10 दिन में कितनी बढ़ी 42.43। फिर एनुअल ग्रोथ कितनी हुई इसकी 1.25। फिर ये जो हमारी ईयर 1961 में 5439.2 बढ़ी। फिर 70 और जो 10 दिन में कितनी बढ़ी हमारी 78.15 कितनी 78.15 और जो एनुअल ग्रोथ थी वो कितनी बढ़ी 2.20। अब ईयर आया 1981 उसमें कितनी हुई 683.3 ये हुआ और 135.17 ये हमारी 10 दिन में बढ़ी। फिर ये एनुअल ग्रोथ जो थी हमारी 2.22। फिर 1991 में 846.44 और जो 10 दिन में कितनी बढ़ी हमारी 163.09। फिर ये जो एनुअल ग्रोथ थी हमारी वो कितनी हो गई 2.14। अब ये कितना था हमारा 2001 में 2001 ईयर आ गया। फिर हमारा लास्ट फिर इसमें मैंने आपको बताई थी 1028.7। फिर जो हमारी 10 दिन में जो बढ़ी थी 182.32। फिर जो एनुअल ग्रोथ था वो है 1.93। ठीक है ये हो गया राइट। अब ये क्लियर हो गया आपको। अब ये तो हमारा इतनी सब बात हो गई पॉपुलेशन ग्रोथ में। अब आता है पॉपुलेशन प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ये क्या है अब देखिए इसमें क्या दे रखा है हमें ये इसमें तीन बातें दे रखी हैं प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। प्रोसेस जो है पॉपुलेशन चेंज का उसमें तीन बातें दे रखी हैं क्या क्या एक है बर्थ रेट एक है डेथ रेट एक है मर्जिनेशन। हाँ और बर्थ रेट क्या है जब कोई 1000 पीपल वन ईयर तक क्या रह सकते हैं लाइव कर सकते हैं उन्हें उसी को हम कहते हैं बर्थ रेट। सो इसी से जब 1000 पीपल लाइव कर रहे हैं सो इसी के साथ साथ और चिल्ड्रंस बढ़ेंगे। सो ये क्या हुआ प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज पॉपुलेशन में चेंज आया। अब डेथ रेट यानी कि जैसे अब वन ईयर में 1000 पीपल की डेथ हो रही है सो इसी के साथ साथ इसमें भी प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज में क्या हुआ बदलाव आया है ना कम हुई पॉपुलेशन या बढ़ी है ना। अब मर्जिनेशन क्या होता है कि जैसे अभी दिल्ली स्टेट बन गया हमारा दिल्ली स्टेट बना है सो इसी के साथ साथ ये जब हमारा ये दिल्ली क्या बन गया स्टेट बन गया सो दिल्ली हमारा स्टेट बना तो ऐसे ही जब यूनियन टेरिटरी या स्टेट्स कोई दूसरे बनते हैं सो इसको हम कहते हैं मर्जिनेशन। ठीक है इससे प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज में का एक प्रोसेस है। अब एज कंपोजिशन क्या होती है हमारी एज कंपोजिशन क्या होती है अब इसमें बात करते हैं हम पहले चिल्ड्रंस की चिल्ड्रंस और इसमें चिल्ड्रंस आते हैं वर्किंग एज यानी कि एडल्ट्स आते हैं और आते हैं एज्ड है ना यानी कि बुढ़े व्यक्ति जो होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे एज कंपोजिशन में पहले हम बात करते हैं चिल्ड्रन की चिल्ड्रन कितने बिलो 15 ईयर से छोटे इनकी बात करते हैं हम 15 ईयर्स तक या 15 ईयर्स से छोटे जो चिल्ड्रंस होते हैं। ठीक है अब क्या वो काम कर सकते हैं कुछ नहीं अभी तो वो अपनी क्लास में ही पढ़ रहे हैं कौन सी 9th क्लास है या 6th क्लास 7th है 8th है सो ऐसे क्लास में पढ़ रहे हैं वो अभी कोई काम नहीं कर सकते सो इसका ये होता है एज कंपोजिशन। अब एज कंपोजिशन में एडल्ट्स कितने एडल्ट्स में कितने ईयर्स तक 15 to 59 ईयर्स तक। अब 15 ईयर्स से 59 ईयर्स तक क्या कर सकते हैं वो वर्क कर सकते हैं। अभी देखिए वहाँ पे वो दूसरी कंट्री में रह रहे हैं इंडिया तक भेज रहे हैं जैसे कहीं रह रहे हैं दूसरी कंट्री में रह रहे हैं सो वहाँ से
अपना पैसा वहां से कमा कमा के भेज रहे हैं, है ना। सो ये क्या हो गया, एडल्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा 59 ईयर्स से बड़े, अबव 59 ईयर्स। अब ये क्या होते हैं, एज। अब ऐसे नहीं है कि 59 ईयर्स से जब ऊपर हो गए तो कुछ काम नहीं करेंगे, काम करते हैं कुछ कुछ, कोई कोई तो 59 ईयर्स के बाद में भी काम करता है, ठीक है। सो ये हो गया एज कंपोजिशन। एज कंपोजिशन में अब जो हमारी ये जैसे इंडिया है, हमारी इंडिया में जो हमारे चिल्ड्रंस हैं वो कितने हैं, और वो जो एज है वो कितने हैं, और वो जो हमारे एडल्ट है ये क्या है, एडल्ट एडल्ट कितने हैं, 58.7%। कितने, 58.7%। यह चिल्ड्रन, क्या चिल्ड्रन कितने हैं हमारे, चिल्ड्रन है हमारे 34.4%, 34.4%। अब ये कितने हैं हमारे एज्ड कितने हैं हमारे, एज्ड कितने हैं हमारे 6.9%, 6.9%, ठीक है, राइट, ये क्लियर हो गया। ये सबसे ज्यादा कौन है हमारे इंडिया में, एडल्ट्स, और फिर है चिल्ड्रंस, फिर है एज, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब राइट, ये आपको समझ में आ गया एज कंपोजिशन पूरा। अब आता है सेक्स रेशियो। क्या सेक्स रेशियो क्या होता है, चलिए देखते हैं सेक्स रेशियो क्या होता है। सेक्स रेशियो क्या होता है, ये जो होता है हमारा सेक्स रेशियो, इसमें क्या होता है, जब कोई 1000 क्या है मेल है तो उसमें से हमें ये बताना रहता है कि फीमेल्स कितनी होंगी। जब मान लिया कि 1000 क्या है, 1000 मेल है, मेल्स है, तो उसमें से हमें ये बताना है कि कितनी फीमेल्स है, फीमेल्स कितनी है, फीमेल्स कितनी है, ये बताना रहता है इसमें से फीमेल्स कितनी होंगी, फिर ठीक है ये बताना रहता है, राइट। अब ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखिए जो सेक्स रेशियो है 1951 टू 2001 तक की हम जो बात करते हैं वो कितने हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईयर, ये तो हो गया ईयर हमारा, देखिए ये तो हो गया हमारा ईयर। पहले हम बात करते हैं, यहाँ लिख लिया मैंने ईयर, ईयर 1951 यहाँ लिख लेते हैं, 1951, 1961, 1961, 1981 और हमारा 2001, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है सेक्स रेशियो में, ये क्या है सेक्स रेशियो है, कितने का 1000 मेल में, 1000 मेल जो है 1000 मेल उनका सेक्स रेशियो बताता है, और ये बताना है हमें कितनी फीमेल्स है। सेक्स रेशियो फीमेल यहाँ लिख लेता हूँ, फीमेल यहाँ लिखते हैं हम, चलिए फीमेल्स पर 1000 मेल्स ये दे रखता है। अब ये क्या है, ये तो ईयर हो गए, अब देखते हैं कितने, ये क्या है 1951 ईयर में कितने थे हमारे 946, ये हो गया। अब फिर 1961 में कितना होगा 1941, फिर यहाँ पे हमारे 1971 में कितने होगा हमारे 1930, कितने 1930, फिर जो हमारे 1981 में कितना होगा हमारे 1981 में होगा हमारे 934, फिर जो हमारे 1991 में कितने थे 1929, फिर 2001 में हो गए हमारे 900 हमारे 33, ये हो गया, राइट। अब ये कितना हो गया, ये तो ईयर में 1951 ईयर में कितने 946, 1961 में 941 और 1971 में 930, 1981 में 934, 1991 में 929, तो फिर यहाँ पे जो 2001 है उसमें कितना हो गए 933, राइट, ये क्लियर हो गया। अब इसी के साथ साथ ये सेक्स रेशियो पता चल गया आपको क्या होता है। अब सेक्स रेशियो के बाद आता है हमारा लिटरेसी रेट्स। क्या लिटरेसी रेट्स में पहले ये क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी है पॉपुलेशन की, इसमें ये लिटरेट वर्ड से मिलकर बनी है, लिटरेट वर्ड से बनी है, और लिटरेट एजुकेटेड ये सब बातें आप जानते होंगे, लिटरेट यानी कि
जो 7 ईयर का जो बच्चा है यानी कि अभी जो पढ़ ही रहा है अपनी लैंग्वेज में लिख सकता है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकता है, बोल सकता है, सो उसे हम कहते हैं लिटरेट। अब एजुकेशन एजुकेटेड जो रहता है यानी कि वो अच्छी अच्छी नौकरी कर रहा है, कमा रहा है ना, कमा रहा है, अच्छी अच्छी नौकरी कर रहा है, कमा रहा है, सो पढ़ लिख लिया वो है ना, पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया, नौकरी कर रहा है, सो इसी को हम कहते हैं एजुकेटेड। अब ये क्या हो गया लिटरेसी रेट्स। अब आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, अब जो पॉपुलेशन होती है, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होता है, उसमें क्या होती है कई सारी ऑक्यूपेशन होते हैं, सो उन्हीं ऑक्यूपेशन को हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, उनका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। अब इसमें 3 बातें आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में क्या क्या होती है, प्राइमरी इंक्लूड कर रहा है, किस किस को इंक्लूड करता है, ये हमारा प्राइमरी हमारा इंक्लूड करता है, ये देखिए प्राइमरी इंक्लूड करता है, जैसे मान लिया कि हमने जैसे इंडस्ट्रीज है, ऐसी चीजों को ये हमें इंक्लूड करता है, जैसे अब प्राइमरी जो है वो सॉरी सेकेंडरी हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बताता है, और जो हमारा कम्युनिकेशन जो है इसको बताता है। अब टर्शियरी हमारे ट्रांसपोर्ट, इन सब चीजों को बताता है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया राइट। हेल्थ क्या होता है, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट, हेल्थ इज द इम्पोर्टेंट, ये हेल्थ क्या है हमारा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक आता है हमारा, इम्पोर्टेंट पॉपुलेशन का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इसका, पॉपुलेशन का हेल्थ इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब हेल्थ ये होता क्या है, हेल्थ से अब जब आपके पास हेल्थ ही नहीं है यानी कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप बीमार पड़ रहे हैं, सो आप कैसे कुछ काम करेंगे, कैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, ऐसे तो आपकी डेथ होती रहेगी है ना। अब जब इंसान जब कुछ काम करना है पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए कुछ काम करता है ना ऐसे ही, तो किससे होता है बर्थ रेट से, पर यहाँ तो डेथ रेट हो रही है जब हेल्थ अच्छी नहीं है, सो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसका, हमारे पॉपुलेशन का। अब आता है एडोलसेंट पॉपुलेशन। एडोलसेंट पॉपुलेशन क्या होता है, ये चिल्ड्रन टू, ये कहाँ तक चलती है, चिल्ड्रन टू, ये चलती है चिल्ड्रन टू एडल्ट तक, चिल्ड्रन टू एडल्ट तक ये हमारी चलती है, ठीक है राइट, क्लियर हो गया। अब चिल्ड्रन टू एडल्ट तक ये हमारी चलती है, अब चिल्ड्रन टू एडल्ट तक चलती है, अब ये क्या होती है एडोलसेंट पॉपुलेशन, ये चिल्ड्रंस, अब ये चिल्ड्रंस कितने तक आते हैं, चिल्ड्रंस में 10 to 19 years तक के ये चिल्ड्रन आते हैं, ठीक है। अब एडल्ट भी इसके ऊपर के जितने भी एडल्ट हैं वो आते हैं, अब राइट ये क्लियर हो गया। इसके बाद आता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या होती है, ये क्या होती है हमारी फैमिलीज से बनती है, फैमिलीज जो होती हैं वही तो पॉपुलेशन को बढ़ाती हैं, फैमिलीज जब कई सारी फैमिलीज मिलती हैं सो वो पॉपुलेशन को बढ़ाती हैं, ठीक है। सो इसके साथ साथ अब इसे हम NPP भी कहते हैं, NPP 2001 भी कहते हैं, ठीक है, 2001 ही पढ़ना है हम इसलिए। ठीक है, अब बात है NPP और एडोलसेंट पॉपुलेशन क्या होता है, NPP यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है, ये NPP और एडोलसेंट पॉपुलेशन क्या होता है। अब जब कई सारी फैमिली मिल जाएगी, फैमिली चिल्ड्रंस एडल्ट ये सब हम मिलेंगे एक साथ, तो ही तो पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। सो ये हो गया, जब ये दोनों मिलेंगे साथ तभी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। सो इस चैप्टर में हमने इतनी सारी बातें डिस्कस करी, सो इतना ही था हमारा चैप्टर। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइस बाय।